नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट एकेडमिशियंस के साथ पूरी दुनिया के लिए वो समय होता है जिसका इंतजार उनके साथ साथ पूरी दुनिया भी शिद्दत से करती है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि उनकी फील्ड में किस तरह के काम किए गए हैं और क्या उनके देश के किसी रिसर्चर को नोबेल प्राइज मिला। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नोबेल प्राइज अवार्ड 1901 में देने शुरू किए गए और अब तक 989 स्कॉलर्स को नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोबेल प्राइज हर ब्रांच के हर प्रोफेशन को दिया जाता है तो ऐसा नहीं है। नोबेल प्राइज में कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी है। नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। 2022 में नोबेल प्राइज जिन स्कॉलर्स को दिया गया है उनके बारे में कुछ जानते हैं। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर एंड एंटन जिलिंगर को फिजिक्स की फील्ड में एंटेंगल्ड फोटॉन्स की एक्सपेरिमेंट और बेल इनइक्वालिटीज को एस्टेब्लिश करने और क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में कुछ योगदान के लिए इन रिसर्चर्स को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉडर्न मेंडल और के बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री स्ट्रीम की एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने और उनमें बेहतरीन रिजल्ट्स लाकर दुनिया में बदलाव लाने के लिए उनको नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में सवंते पाबे को एक्सटिंक्ट होमिनिन और ह्यूमन इवोल्यूशन की जीनोम से रिलेटेड उनकी रिसर्चेस के लिए सवंते पाबे को नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया। 1955 में स्वीडन में जन्मे सवंते पाबे, जिन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत करी और आज अपनी काम और मेहनत के दम पर आज वो जाने मानी यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टर बन चुके हैं और अब उनके बेहतरीन काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। लिटरेचर के क्षेत्र में फ्रांस की बेहतरीन राइटर एनी एरोनॉक्स को मिला और वो भी करेज और क्लिनिकल एक्विटी, जिनके बेसिस पे उन्होंने बताना चाहा कि पर्सनल मेमोरी के रूट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और कलेक्टिव रीजंस के बारे में। एलिस बेलेटेस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को इस साल नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। ये नोबेल प्राइज अवार्डीज रशिया और यूक्रेन से आते हैं। इन नोबेल अवार्डीज ने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया। इन लोगों ने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज उठाई जो कमजोर है और गरीब है। इस साल इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में बेन बर्नाके, डोगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डेवे को नोबेल प्राइज से नवाजा गया उनकी बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के रिसर्च के लिए। इस रिसर्च से देश की बेहतरीन इकोनॉमिस्ट ने ये स्टडी सामने रखी है कि बैंक्स किसी भी जगह के लिए बहुत जरूरी है। इनकी रिसर्च की प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए और किसी भी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।